वहीं हल्द्वानी में ग्रामीण बैंकों के राष्ट्रीय संगठन अरेबिया के आह्वान पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्मिकों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का नियमितीकरण, अवकाश नियमों में संशोधन और सेवा नियमावली के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान पर सरकार को अब जल्दी ही फैसला लेना होगा। इस दौरान ग्रामीण बैंक में कार्य पूरी तरह ठप रहा और ग्राहकों को वापस लौटना पड़ा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अरेबिया के आह्वान पे 8 सूत्रियों को डिमांड को लेकर के हमारा आज उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है उसका जो कर्मचारी संघ है वर्कमैन उसके सारे सदस्य आज हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर के 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के। कहाँ कहाँ बैठे हैं ये? हमारे दो जगह हो रहा है, एक प्रोटेस्ट ये रीजनल ऑफिस हल्द्वानी में हो रहा है क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी और एक हमारा देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय में हो रहा है। ऐसा क्या कारण हुआ कि आप लोग को अब धरने में बैठना पड़ रहा है? सर हमारा जो है सो 8 डिमांड 8 सूत्रियों मांगों को लेकर के जब ये नहीं माना गया तब हम लोग को ये हड़ताल करने पर विवश होना पड़ रहा और धरना पर विवश होना पड़ा। अब ये हमारा हम उत्तराखंड कर्मचारी संघ की तरफ से आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अरेबिया की जो हमारी नेशनल यूनियन है उसकी तरफ से हम 8 सूत्रीय जो मांगे हैं उसके सपोर्ट में यहाँ आए हुए हैं, जिनमें कि पहला है कि हमारे एक नेशनलाइज्ड आरआरबी का की स्थापना करी जाए और जो हमारे यहाँ बैकलॉग चल रहा है, वैकेंसीज हैं इतनी ज़्यादा 30,000 के आसपास बताई जा रही है, उसमें उनको रिक्रूट किया जाए। वहाँ पर हमारे सभी यूनियन कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक तो नेशनलाइज ग्रामीण बैंक बनाना चाहते हैं और दूसरा अन्य जो डिस्पैरिटी है हमारे और PSB बैंक्स के बीच में उसको हम ख़त्म करना चाहते हैं। और ये जो हमारा आंदोलन है ये हल्द्वानी में, मुख्यतः हल्द्वानी में और देहरादून में किया जा रहा है।